अर्जुन मुंडा जी झारखंड के किसी लोकसभा सीट से चुनाव लड़े उनको हम लोग जीतने नहीं देंगे, ऐसा कुर्मियों का एक आह्वान। प्रकाश चौधरी जी हैं, जयराम महतो जी हैं, मोत्र महतो जी हैं, तीनों महतो कुर्मी कैंडिडेट हैं, लेकिन तीनों के तरफ से तो क्लियर हो कि आप अगर जीत के जाएं तो कुर्मी के लिए हम कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं। जो भाजपा को हराए इसमें सिर्फ कांग्रेस नहीं है, अगर मान लीजिए खूंटी में कांग्रेस है तो कांग्रेस है, रांची में अगर कोई और है तो उसके समीप ही जो है रांची लोकसभा है, इसमें भी जो है त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिला, बीजेपी कांग्रेस और निर्दलीय प्रत्याशी देवेंद्र नाथ महतो को देखा जा रहा है, समर्थन किस ओर रहेगा? त्रिकोणीय मुकाबला है, कुर्मी अपना कुर्मी को ही पसंद करेगा और कुर्मी अपना कुर्मी को ही पसंद करेगा और एंटी बीजेपी वोट होगा। खुलती लोकसभा एक नंबर पे है, एक नंबर पे अर्जुन मुंडा जी का हार कुर्मियों का जीत होगा, और उसी तरह और बहुत सारे लोकसभा रांची हैं आपका, हजारीबाग है, धनबाद है, इन सभी सीटों इस तरह से तमाम झारखंड हो या भारत वर्ष में हो चुनावी माहौल जो है चला हुआ है। अभी हम विशेष तौर पर हमारे बीच जो हैं शीतल ओदार जी हैं, तमाम जो गण्यमान्य व्यक्ति कुर्मी समाज के लोग जो हैं हमारे साथ हैं, इन लोगों से हम जानने का ये प्रयास करेंगे कि क्योंकि झारखंड में लोकसभा चुनाव है और झारखंड में हमेशा ही कुर्मी और आदिवासी को लेकर जो कुर्मी एसटी का आंदोलन हमेशा ही चला है, तो इस अपने मांगों को लेकर अडिग हैं, चाहे तो रेल टिका की बात करें, तमाम इस तरह का प्रोटेस्ट हमें झारखंड में देखने को मिला था, तो हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि जब चुनाव आता है तो चुनाव के टाइम भी इन लोग का जो मैनिफेस्टो में होता है इन लोग के मुद्दे को रखा जाता है, इस बार क्या हो रहा है, किनको समर्थन देने की बात कही जा रही है, सारी चीज़ों को जानने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ शीतल ओदार जी हैं, इनसे जानने का प्रयास करते हैं। दादा सबसे पहले जोहार। जोहार, आपका आपका चैनल कभी हमारे तरफ से जोहार है। विशेष तौर पर अभी चुनाव का माहौल चल रहा है, चुनाव में जो है आप लोग का जो कम्युनिटी के जो वोटर हैं वो किस तरफ जाना पसंद करेंगे, आप लोग किधर गाइडेंस कर रहे हैं? देखिए कुर्मी एसटी को लेके हमेशा आंदोलन रहा है, जैसे आपने भी कहा कि रेल टिका हो, हुड़का जाम हो, चाहे आपका रैली हो मोराबादी मैदान में, बहुत सारे आंदोलन हमेशा से रहा है और हमेशा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अभिलंब कुर्मी को एसटी का सूची में सूचीबद्ध कराए, नहीं तो आने वाले लोकसभा चुनाव में हम लोग सबक सिखाएंगे, ये शुरू से हम लोग कहते आए हैं, आज वही समय आया है, एक आंदोलन के रूप में हम लोग इस इलेक्शन को ले रहे हैं, लिए हुए हैं, और उसी तर्ज पे कि भाजपा ने हमेशा आश्वासन दिया और उन्होंने धोखा दिया, विशेष तौर पे अर्जुन मुंडा जी ने कुर्मी समाज को धोखा दिया है, उसी लाइन पे हम लोग आगे चल रहे हैं कि उन्होंने धोखा दिया है तो उनको हम लोगों ने सबक सिखाएंगे, और हमने ऐलान किया था मोराबादी मैदान से कहा था और बहुत सारे कार्यक्रमों से कहा था कि अर्जुन मुंडा जी झारखंड के किसी लोकसभा सीट से चुनाव लड़े उनको हम लोग जीतने नहीं देंगे, ऐसा कुर्मियों का एक आह्वान था, उसी तर्ज पे आज वो खूंटी लोकसभा से चुनाव लड़ रहे हैं, पूरा कुर्मी चाहे खरसवां का कुर्मी हो चाहे आपका तमाड़ का कुर्मी हो एक साइड है, उनके खिलाफ गोलबंद है और हम लोग उनको सबक सिखाएंगे, और इन्हीं के वजह से आज पूरे प्रदेश में कुर्मी समाज उनका एक बयान जो उन्होंने कहा कि कोई भी मामला लंबित नहीं है कुर्मी को एसटी में शामिल करने का भारत सरकार के पास, एक बयान आज पूरे राज्य का कुर्मियों को एकजुट करने में हम लोग उनका बयान से सफल हुआ है और पूरे राज्य एंटी बीजेपी आज काम हो रहा है, हम लोग किसी कीमत पर भारतीय जनता पार्टी को कुर्मी बहुल जितने लोकसभा सीट हैं उसमें जीतने नहीं देंगे। आप लोग जो है अर्जुन मुंडा का पुरजोर विरोध करें, जगह जगह पर उन्हें जो है रोका जा रहा है, इस तरह की बातें सामने आ रही है, तो एक्चुअली सेंट्रल का मुद्दा है जो आप लोग का जो कुर्मी और एसटी का जो आंदोलन है कहा जाता है, और ये चीज़ों को लेकर तमाम लोकसभा सीटों में आप लोग इस तरह का रणनीति को अपना रहे हैं कि विशेष तौर पर जो है खूंटी लोकसभा में? देखिए खूंटी लोकसभा एक नंबर पे है, एक नंबर पे अर्जुन मुंडा जी का हार कुर्मियों का जीत होगा, और उसी तरह और बहुत सारे लोकसभा रांची हैं आपका, हजारीबाग है, धनबाद है, इन सभी सीटों पे चाईबासा है, इस सभी सीटों पे कुर्मी गोलबंद है और भाजपा को सबक सिखाएगी, कहा है कि भाजपा के शीर्ष नेताओं ने भी आश्वासन दिया था, यहाँ तक कि जेपी नड्डा जी ने भी आश्वासन दिया था कि कुर्मी को बहुत जल्द एसटी का सूची में सूचीबद्ध कराएंगे, लेकिन उन्होंने भी धोखा दिया है, कुर्मी को उन्होंने हल्के में लिया है, इस बार हम लोग सबक सिखाएंगे, कुर्मियों का ताकत दिखाएंगे और भारतीय जनता पार्टी को दिखा देंगे कि झारखंड राज्य में बगैर कुर्मी का कोई नहीं चल सकता। तो क्या लगता है कि आप लोग का जो सेंट्रल पार्टियों की जिस तरह से बीजेपी हो या कांग्रेस हो तो चुनावी मुद्दे में उसको तो हमेशा ही रखा ही जाता है लेकिन काम नहीं होता है, वकदा इस बार जो है आप लोग अर्जुन मुंडा को पिछले बार देखे कि उन्होंने भी इस तरह का ही किया, अब की बार जो है आप लोग
जब एंटी बीजेपी की बात करें तो ऑब्वियस सी बात है कांग्रेस को समर्थन करना चाह रहे हैं, तो क्या इन लोग करेंगे? आपको आशा उम्मीद लग रहा है? देखिए, ऐसा नहीं है कि हम कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं। जो भाजपा को हराए इसमें कहीं सिर्फ कांग्रेस नहीं है। अगर मान लीजिए खूंटी में कांग्रेस है तो कांग्रेस है, रांची में अगर कोई और है तो उसके साथ है, आपका हजारीबाग हो, चाहे जहाँ भी, जो भाजपा को हराएगा। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस को ही सपोर्ट करना है, भाजपा को हराने लायक जो हो उसको सपोर्ट कुर्मी लोग करेगा और भाजपा को हराने का काम करेगा। अच्छा, मतलब आप लोग के समाज की तरफ से और ऐसा कोई जो मुद्दा जो होना चाहिए उस चीज़ को आप लोग रख रहे हैं क्या चुनावी मुद्दे में इस बार? देखिए, ऐसा है, कुर्मी को अनुसूचित जनजाति की सूची में सूचीबद्ध कराने से बड़ा मुद्दा कुर्मियों के पास और कोई नहीं है। दूसरा है हमारा कुर्माली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करना। इन दोनों मांगों को लेकर ही आंदोलन चल रहा था और इसी पर हम लोग अड़िग हैं और ये मांग जब तक पूरा नहीं होगा, और ये मांग बिल्कुल हम आपके माध्यम से कहना चाहेंगे, पूरे समाज को कहना चाहेंगे कि मेरा जो कुर्मी समाज का जो डिमांड है, कुर्मी दाबी जो है एसटी में शामिल करने का, ये मामला पूरी तरह से भारत सरकार के हाथों है। ये भारत सरकार भी गुमराह करने का कोशिश, अभी शैलेंद्र महतो जी के माध्यम से आपने देखा होगा कि उन्होंने लेटर जारी करवा दिया, आपका गृह पीएमओ ऑफिस से लेटर जारी करवा दिया कि नहीं ये मामला ये, और शैलेंद्र दा ने बयान भी दे दिया कि अमित मोदी जी से विश्वास है। विश्वास है तो 5-7 तो लगातार लड़ाई चली है, लेकिन उन्होंने तो विश्वास दिखाया नहीं, एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा। आचार संहिता लगने से 10-20 दिन पहले हमारी बात हुई थी भाजपा के नेताओं से, हमने कहा कि आप केवल RGI में एक्सेप्ट करा दीजिए, अगर तुरंत में एसटी में शामिल नहीं करा पाते हैं तो RGI में एक्सेप्ट करा दीजिए, हम आपको सपोर्ट करेंगे, लेकिन वो लोग RGI में भी एक्सेप्ट कराने के लिए एग्री नहीं थे। मतलब आप लोग को मतलब बीजेपी से और भरोसा रहा ही नहीं? बिल्कुल नहीं, बीजेपी से भरोसा नहीं। इस बार बीजेपी को ताकत दिखाएंगे कुर्मी समाज, अगर उनको अगर सद्बुद्धि होगा विधानसभा चुनाव से पहले इस ताकत को देखने के बाद, तो कुर्मी को एसटी में शामिल करा के फिर सत्ता में आएंगे, नहीं तो दोबारा झारखंड का सत्ता में भी हम लोग आने नहीं देंगे। आप लोग जब आपके समाज की लड़ाई है तो समाज के लोगों को क्यों नहीं उस जगह पर भेजते हैं? जैसे अगर संसद बनाने की बात है तो आप लोग भी ये काबिलियत रखते हैं कि हम भी उस रेस को पकड़ सकते हैं, तो ऐसा क्यों नहीं कर रहे आप लोग, दूसरे पे पहले भरोसा कर रहे हैं? देखिए, ऐसा नहीं है कि हमारे लोग नहीं बात रखते हैं, हमारे लोग भी, जैसे पिछले बार भी विद्युत थे, चंद्र प्रकाश चौधरी थे, आपका पुरलिया से थे, बात तो उठा ही रहे थे, लेकिन हमारे जो MP हैं उतना मजबूत नहीं है जो वहाँ तक बात को डट के रख सके। हाउस के अंदर रखते हैं बात को, लेकिन डायरेक्ट प्रधानमंत्री जी से, गृह मंत्री जी से रख सके, वैसा हमारा ताकतवर अभी तक MP नहीं हो पाया है। और इसलिए, और बहुत सारे जैसे अधीर रंजन चौधरी जी, हाउस के अंदर में इतना अच्छी तरीके से कुर्मी एसटी का बात किए, लेकिन बात ऐसा है कि जिनके टेबल से होना है ये काम वही मेरा दुश्मन है, जिनके टेबल से, माननीय अर्जुन मुंडा जी यही नहीं चाहते हैं कि कुर्मी कभी एसटी में आए, कुर्मी एसटी में आए यही नहीं चाहते हैं, और इसीलिए गुमराह करके, भारत सरकार को भी इन्होंने गुमराह करके रखा है। इन्होंने अलग अलग तरीके से समझा देते हैं कि नहीं, अगर मान लीजिए कुर्मी को एसटी में शामिल कर देते हैं तो फिर मणिपुर वाला जो स्थिति आ जाएगा, एसटी लोग विरोध कर रहे हैं, जो वर्तमान में एसटी हैं वो लोग उनका, कुर्मी लोग का विरोध कर रहे हैं, गृह युद्ध की संभावना है। इस तरह ये लोग जितने प्रतिनिधि हैं, जैसे हम लोग के विरोध में अर्जुन मुंडा जी हैं, ये लोग समझा देते हैं शीर्ष नेताओं को, और उस वो लोग इस मामला पर सामने आना नहीं चाहते हैं। तो अभी जिस तरह से झारखंड में मोमेंट छिड़ा हुआ था भाषा खतियान आंदोलन को लेकर, जयराम महतो भी आप ही लोग के कम्युनिटी में बिलोंग करते हैं, वो भी संसद का चुनाव लड़ रहे हैं, तो उनके प्रति आप लोग क्या भाव रखते हैं, क्या प्रकट करते हैं? देखिए, आंदोलनकारी हैं, आंदोलन कर रहे हैं, और उनका जो सोच है वो सही है, वो एक झारखंड लेवल का आंदोलन कर रहे हैं, वो जाति विशेष पे उनका आंदोलन नहीं है, कुर्मी एसटी का आंदोलन उनका नहीं है, उनका लड़ाई है खतियान का लड़ाई है, भाषा का लड़ाई है, वो सभी जाति धर्मों के लिए वो लड़ाई कर रहे हैं। हम लोग का जो लड़ाई है, ये हम लोग जो कुर्मी समाज जो लड़ रहा है, ये अपना अस्तित्व बचाने के लिए लड़ रहा है, कुर्मी को एसटी में कैसे शामिल करे, अपना अस्तित्व कैसे बचाए, अपने बाल बच्चों का भविष्य कैसे सुरक्षित करे, उसके लिए कुर्मी समाज लड़ाई लड़ रहा है, ना कि पूरे झारखंड के लिए। मानते हैं कि उनका वकदा आंदोलन जो पूरे झारखंड के लिए है, लेकिन वोट तो आप लोग का भी चाहिए। बिल्कुल, कहे नहीं, सब जगह गिरिडीह में किस तरह का समर्थन है, किनको समर्थन है? देखिए, तीनों कुर्मी हैं, तीनों दल से कुर्मी हैं, अभी तक क्लियर नहीं हो पाया गिरिडीह का कि कुर्मी समाज की ओर से किनके तरफ वोट किया जाएगा, 2-3 दिन के दिनों में वो भी क्लियर हो जाएगा कि कुर्मी समाज किसके तरफ, तीनों अपना अपना दावा कर रही है, लेकिन तीनों के तरफ से अभी तक क्लियर नहीं हुआ कि वो कुर्मी के लिए क्या करना चाहते हैं। अब चंद्र प्रकाश चौधरी जी हैं, जयराम महतो जी हैं, मोत्रा महतो जी हैं, तीनों महतो कुर्मी कैंडिडेट हैं, लेकिन तीनों की तरफ से तो क्लियर हो कि आप अगर जीत के जाएँ तो कुर्मी के लिए, कुर्मी का एसटी का जो डिमांड है उसके लिए आप क्या कीजिएगा,
कुर्मी के लिए तो ठीक है, आप कह दीजिएगा कि हम शिक्षा में ये फलना टिकना इस सब में हम आगे करेंगे, लेकिन कुर्मी एसटी का जो डिमांड है उसके लिए आप क्या कीजिएगा, हम उनके जो हैं आदमी उन लोगों से बात करा रहे हैं, वो घोषणा करें कि हम कुर्मी के लिए क्या करेंगे, तो कुर्मी समाज आपके लिए भी सोचेगा। अच्छा, कुर्मी कहीं ना कहीं वोटर बनकर ही रह जाता है, तो इस बार क्या वो फैक्टर काम आएगा जो आप लोग का मुद्दा जो रहता है उस पर कोई सुनेगा, और आप लोग वैसे व्यक्ति को सदन तक भेजने का काम करेंगे जो आप लोग के मुद्दे को रखे? बिल्कुल ऐसा इस बार नहीं है जो पहले हुआ करता था। इस बार कुर्मी समाज, हम लोग अभी गांव-गांव अभी तमाड़ में हैं, तमाड़ का गांव-गांव घूम रहे हैं, कहने का मौका नहीं दे रहा है कुर्मी समाज, यह समझाना नहीं पड़ रहा है ज़्यादा कि किसको वोट देना है। जाने से मीटिंग में बैठने से पहले सब कहते हैं हम लोग सब ठीक है, कोई क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग आएँ अच्छा है, लेकिन हम लोग पहले से डिसाइड कर चुके हैं कि इस बार मुंडा जी को जीतने नहीं देंगे, समझाने की जरूरत नहीं पड़ रहा है। हम अगर टमाड़ में या खरसों में एक दिन भी नहीं घूमे फिर भी कुर्मी समाज आज कहाँ वोट देना है वो अच्छी तरह से समझ गया है। पूरे राज्य में यही स्थिति है, कुर्मी समाज को वोट में लोग बोलता था बंट जाता है लोग, लेकिन इस बार कुर्मी समाज एकजुट है और एकजुट होकर वोट एंटी बीजेपी करेगा। अच्छा, इस बार एक आपके जो अभी खूंटी लोकसभा से समीप ही जो है रांची लोकसभा है, इसमें भी जो है त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिला, बीजेपी कांग्रेस और निर्दलीय प्रत्याशी देवेंद्र नाथ महतो को देखा जा रहा है, समर्थन किस ओर रहेगा? त्रिकोणीय मुकाबला है, कुर्मी अपना कुर्मी को ही पसंद करेगा और कुर्मी अपना कुर्मी को ही पसंद करेगा और एंटी बीजेपी वोट होगा, मतलब खेला हर एक तरफ कुर्मी का कर चलता है। बिल्कुल कुर्मी का ही चलता है। अच्छा, तमाम झारखंड वासी के जितने भी चाहे तो बाहर से भी कोई देख रहे हैं, तो तमाम कुर्मी भाइयों के लिए चाहे तमाम झारखंड वासी के लिए क्या कुछ संदेश रहेगा आप लोगों की तरफ? देखिए, आपके माध्यम से हम कहना चाहेंगे पूरे राज्य झारखंड राज्य के सभी कुर्मी स्वजाति बंधुओं से कि आपने बहुत संघर्ष किया है, बहुत मेहनत करके झारखंड लिया है और हमारे पूर्वज भी बहुत मेहनत करके जल जंगल जमीन को बचाए हैं और आज जो परिस्थिति बना है वो कुर्मियों को समाप्त करने का साजिश चल रहा है। आपसे मेरा यही अपील है कुर्मी समाज से कि इस बार एंटी बीजेपी हम लोग एकजुट होके वोट करें और हमारे जो साजिश करता है, जो कुर्मी समाज का बाल बच्चों का भविष्य को जो ख़त्म करना चाहते हैं, उनको हम लोग सबक सिखाने का काम करें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो तमाम चीज़ों की जानकारी जो है हमने ले ली है, बकायदा कुर्मी समाज का समर्थन एंटी बीजेपी की तरफ मूव ऑन हो रहा है, बकायदा देखने लायक बात होगा क्या कुछ फीडबैक निकल के आता है 4 जून के बाद। बने रहें, देखते रहिए। जोहार, नमस्कार।